अयोध्या में 1992 जैसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। इकबाल अंसारी ने क्यों दी अयोध्या छोड़ने की धमकी। अयोध्या मामले की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद से राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया हुआ है। कोर्ट के फैसले से खासकर साधु संतों ने खासा नाराजगी दिखाई है। इतना ही नहीं, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर हलचल भी बढ़ती दिखाई दे रही है। उधर अयोध्या में हिंदू संगठनों के संभावित कार्यक्रमों ने बाबरी मस्जिद के मुद्दे इकबाल अंसारी की चिंताएं बढ़ा दी है। दरअसल राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद के मुद्दे इकबाल अंसारी ने अयोध्या में 25 नवंबर को राष्ट्र स्वयं सेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की रैली को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर अयोध्या का मुस्लिम समुदाय ऐसे ही दहशत में रहा तो मुसलमान अपनी जान की फसीहत के लिए अयोध्या छोड़ने को मजबूर हो जाएगा। बकौल इकबाल अंसारी, अयोध्या में साल 1992 की तरह एक बार फिर से माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संघ और VHP ने ऐसी ही भीड़ साल 1992 में इकट्ठा की थी। उस समय कोई भी मुस्लिम मस्जिद बचाने नहीं गया था, इसके बावजूद मुस्लिम समाज के घर और दुकान लूटे गए थे। उन्होंने कहा कि उस समय मुस्लिम समुदाय के लोगों के कारोबार को तबाह किया गया था, वैसा ही माहौल फिर बनाया जा रहा है। हालांकि हम पहले ही ये कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने को तैयार है, ऐसे में अब अयोध्या में भीड़ क्यों इकट्ठा की जा रही है। अंसारी के मुताबिक ये सब मुस्लिम समाज को डराने के मकसद से किया जा रहा है। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए 25 नवंबर को अयोध्या में होने वाली संघ VHP और शिवसेना की अलग अलग रैली में लाखों लोगों की भीड़ जुटने की संभावना जताई जा रही है। इन रैलियों में ज्यादा से ज्यादा लोग जुटें, इसके लिए न सिर्फ लोगों से अपील की जा रही है बल्कि पर्चे भी बांटे जा रहे हैं। लेकिन अयोध्या में होने वाले इन कार्यक्रमों ने इकबाल अंसारी की चिंताएं बढ़ाकर रख दी है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।